बारागा चूरू के एसीबी पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक आनंद स्वामी व उनकी टीम ने अपना जाल बिछाकर तारानगर पुलिस थाने में कार्रवाई करते हुए दो कांस्टेबलों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद स्वामी ने बताया कि तारानगर पुलिस थाने में एनडीपी एस मामले में मुकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाट निवासी मल सीसर जिला झुंझुनू के खिलाफ एनडीपीएस मामला चल रहा था। इस मामले में उसकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई थी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि पहले पुलिस से जमानत करवाओ जिसके बाद जमानत पर कार्रवाई होगी। तो वहीं तारानगर पुलिस काफी दिनों से चालान पेश नहीं कर रही थी। चालान पेश करवाने के लिए मुकेश के मामा व परिवादी पबू दयाल पुत्र हरदीप राम पूनिया ने जब पुलिस थाने में संपर्क किया तो थाना अधिकारी सुभाष ढिल के लीडर राकेश ने 60,000 रुपये की मांग की, जिसमें 50,000 रुपये में सौदा तय हुआ जो दो किस्तों में तय हुआ, और तय हुई बात के अनुसार शनिवार को दोपहर 25,000 रुपये मौके पर कांस्टेबल राकेश व मामराज को दिए गए। रिश्वत देने के बाद परिवादी पबू दयाल का गुप्त इशारा पाकर एसीबी की टीम ने मौके पर ही कांस्टेबल राकेश कुमार पुत्र भोला राम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक आनंद स्वामी ने इस दौरान बताया कि जैसे ही हमने कार्रवाई प्रारंभ की तो कार्रवाई की भनक पाते ही थानाधिकारी सुभाष ढील भी पुलिस की गाड़ी लेकर गश्त का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गए। स्वामी ने बताया कि जब इस संबंध में थानाधिकारी को मौके पर बुलाने के लिए फ़ोन किया तो बहाने बहाने लगे और फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। गौरतलब है कि थानाधिकारी का मौके से भाग जाना व वापस उसी समय थाने पर नहीं आना, गश्त का बहाना बनाना, फिर फ़ोन को स्विच करना भी कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल होने का संदेह पैदा करता है। एसीबी इस कार्रवाई में एसीबी के सीआई रमेश पंचरा, हेड कांस्टेबल गिरधारी सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश, राजपाल राकेश, दिलीप नरेंद्र सिंह, हरिदान संदीप कुमार टीम में शामिल थे। उन्होंने मौके पर तारानगर पुलिस थाने के रिश्वतखोर कांस्टेबल राकेश व मामराज को गिरफ्तार किया। मेरा भांजा 28/10/2018 को मन लोग एनडीपीएस में गिरफ्तार हुआ और वो भी उनको मन लो तारानगर थाना ने गिरफ्तार कर दिया। यहाँ इनकी जांच पड़ताल चल रही थी, उनकी मन लो जो जांच चल रही थी यहाँ चल रही थी, तो थाने में मैंने चक्कर काटते काटते 5 महीने हो गए। यहाँ मेरे को पूरे थाने में मैंने शोषण किया है, 3.5 लाख रुपए मेरे से शोषण कर चुके हैं। अभी अंत घड़ी में जो चलान हो रहा है जिसका टाइम पूरा हो गया उसका भी मेरे से 60,000 रुपए मांग रहे हैं, जिनकी मैं मतलब 50,000 में इनसे हाँ करवाया कि 25,000 रुपए अभी नकद दे के इनको ट्रेप करवाया है। और बस मामला ये मामला आपका था या आपके भांजे का? मेरे भांजे का है। मामले में क्या था? वो मुलजरिम है, उनके पास मतलब डोडे मिले हैं, वो एनडीपीएस में मतलब बंद है राजगढ़ जेल में, और 5 महीने से मैं इस यहाँ बीकानेर टू मामला राजगढ़ चल रहा था, उसकी जांच मामला राजगढ़ का ही जांच यहाँ इस तारानगर थाने का ही मामला है। मेरा भांजा तारानगर थाने का मुलजरिम है, जिनकी जेसी है वो राजगढ़ में है, जिसने हमारे चौकी शिकायत की परसों, तो उसका भांजा है मुकेश, वो एनडीपी से पकड़ा गया है और उसकी जमानत के लिए वो लोग जब हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने कहा कि उसका पहले चालान पेश करवाओ, उसके बाद में हम जमानत दें। तो उन्होंने आके जो यहाँ एसएचओ लीडर है राकेश, एक मामला दरबदार हो रहा है मार खाने चार दे, उनसे बात की कि आप जल्दी चालान पेश करो, हमारी शादी है घर पर। तो इन लोगों ने कहा भी चलाने से पेश नहीं करें, 60,000 रुपये लेंगे चलान पेश करेंगे, लेकिन इनका 50,000 में तय हो रोज दो किस्तों में, 25,000 पहले 25,000 सेकेंड के अंदर। ये मामला ने डिमांड की, मामला तो राकेश ये किए हैं, उसमें वार्ता ने सब जाए कि ठीक चाहे राकेश से हो चाहे मुझ से हो किसी भी बात कर लेंगे। तो उसी क्रम में आज वो परिवादी 25,000 रुपये ले गए हमारे पास, जो भी डिपार्टमेंट की उपलब्ध थे वो पूरी करने के बाद हमने थाने में आए, थाने में आए तो परिवादी अंदर गया, उसने राकेश बैठा था तो बात की, उसने कहा भाई वो कहाँ है मामला, तो यूट्यूब गया, तो मैं मानते हैं कि बात है जो अपने मन कर दे इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की, उसने 25,000 रुपये निकाल के दिए और अपने दिलाज में रख लिए।
राकेश ने, फिर रुक रहा कुछ वह हुआ तो तुम बाग के बाहर गया उनके रुपये गए हथियार या किसी को दे के आ गया वापिस आगे बैठ गया। दो तीन मिनट लगे इस तरह घटनाक्रम में, हम लोग वापिस आए तो वो निकल कमरे से गिरी भागने लगा, हमने उसको पकड़ लिया। तो उसने रुपये का भी खुद जरूरत है वो मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें एस एच ओ की भूमिका संदिग्ध है, हम लोग जब थाने के अंदर आते हैं तो एस एच ओ थाने में खड़ा था, हमें देखते जीप लेके यहाँ से भाग गया। टेलीफोन करके बोला अभी आता हूँ, अब से स्विच ऑफ कर दिया। क्योंकि वार्ता में ये बात आई है कि एस एच ओ से हम बात कर लेंगे, सबसे बात कर लेंगे, तो पूरा संदिग्ध एस एच ओ की जो कार्यप्रणाली है कि एक गरीब आदमी जो है ये इतने रुपये मांगते हैं चलान के, जो भी नहीं हो सकता कार्रवाई है।